अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो स्टार्ट हो रही है शाम से। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सैंडविच। ये मैं शाकिब के लिए सैंडविच बना रही थी और मैंने हमारे लिए सैंडविच बनाई थी। ये लेफ्ट ओवर भाजी से हम लोग सैंडविच बना रहे थे, इसके अंदर चीज़ वगैरह डाल के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग घर में कभी भी मिक्स वेजिटेबल बनते या गोभी वगैरह बनाते या आलू की कुछ भाजी बनाते ना, तो उसका हम लोग नेक्स्ट डे या शाम में सैंडविच ज़रूर करके खाते, क्योंकि सैंडविच में उसमें मज़ा ही अलग हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है सैंडविच। तो यहाँ पर सैंडविच बन गया है अभी। जस्ट गरम गरम सैंडविच में हम लोग ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाले थे इधर, तो उससे चीज़ थोड़ी मेल्ट हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। सैंडविच के बाद में बन गई थी यहाँ पर ग्रीन टी। शायरी ने ग्रीन टी बनाई थी, तो अभी हम लोग ग्रीन टी पिएंगे और उसके बाद में मैं आपको कुछ दिखाऊंगी जो हमारे लिए आया था गांव से। तो ये कुछ चीज़ें आई थी हमारे गांव से, जैसे कि ये साग। मेरी फुप्पी की ननद ने साग बना के भेजा था, एक्चुअली उन्होंने हाफ प्रिपेयर साग करके भेजा था, फिर बाकी मैंने पूरा साग मेरी फुप्पी ने प्रिपेयर करके हमारे लिए टिफिन में भेजा था। और ये कुछ स्वीट्स थी फुप्पी के साइड से आहत के लिए, और ये थोड़ी सी मूंगफली थी, नींबू थे, गन्ने थे। ये नींबू आई थिंक उनके यहाँ के थे, उनके घर के थे, और गन्ने थे उनके बाग के। और ये सिमलौटे थे, ये खाने में बहुत अच्छे लगते, और एक्चुअली ये कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। सोवे में और हरी प्याज वगैरह में बनाते हैं, हम लोग ने नेक्स्ट डे बनाए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये मेरी फुप्पी ने कुछ बैंगल्स वगैरह भेजी थी जो कि मैंने तभी के तभी पहन ली थी। ये रेड वाली मेरे साइज़ की थी और बाकी ये मामा के साइज़ की थी, तो ये बैंगल्स भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर अभी ये मैं मथुरा का पेठा ट्राई कर रही हूँ। फूफा का ट्रेन में आए थे ना, तो वो मथुरा साइड से होके आती है, तो फूफा ने ये मथुरा का पेठा लेते रेड कलर का, ये इतना अच्छा था ना, बहुत अच्छा था, यूनिक उसका टेस्ट था ना, बहुत ही अच्छा। मैंने ये फर्स्ट टाइम खाई थी, हम लोग सबको बहुत अच्छा लगा था ये वाला पेठा। और ये जो आप कुछ मट्टी कलर की मिठाई देख रहे हैं ना, ये भी बहुत अच्छी थी। और साग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हम लोग ने तभी के तभी इसके लिए ज्वार और बाजरे की रोटी बनाई थी, जो मैंने आटा पिसवाई थी ना उसी की रोटी बनाए थे, तभी के तभी इसको तड़का मार के फिर खाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही हूँ सारी मिठाइयाँ थोड़ी थोड़ी सी। Thank you.
तो देखो यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना ली थी और मैंने जो फुप्पा चूड़ियाँ लेके आए थे मैं तभी के तभी पहन ली थी। पहले तो हम लोग ने ये सोचे थे कि उसका मैचिंग का ड्रेस बनाएंगे फिर पहनेंगे, क्योंकि मुझे वो चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी थी, स्पेशली उनका कलर। बट कब ड्रेस बनेगा, कब हम चूड़ियाँ बनेंगे, तो मैंने तभी के तभी पहन ली थी पूरी जितनी भी थी सारी। और यहाँ पर देखो मेरी रोटी कितनी अच्छी बन रही है। एक्चुअली मुझे हाथ से रोटी बनाने नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा उसको तो फिर रोटी को ना थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर लेती हूँ, गोल उसका पेड़ा बना के, फिर उसको पटले पर रख के थोड़ा फ्लैट कर लेती हूँ उंगलियों से, फिर जस्ट उसके ऊपर बेलन चला देती हूँ एकदम हल्के हाथ से, तो परफेक्ट साइज़ हो जाता है और ज़्यादा मोटी भी नहीं रहती, सही हो जाती है। ज़्यादा पतली बनाते तो कड़क हो जाती है, मैं इसलिए थोड़ी पतली नहीं बना, थोड़ी मोटी सी बनाती हूँ जिसकी वजह से वो कड़क नहीं होती और बिल्कुल सही रहती। तो मैं आज का वीडियो बस यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।